हेलो एवरीवन वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर तो प्रीवियस लेक्चर में हम मेटल कार्बाइन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ रहे थे ठीक है जहाँ पे हमने पढ़ा कि मेटल अल्काडाइन कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं देन हमने डबलेट एंड क्वाटेड कारबाइन्स के बारे में पढ़ा इसके बाद हमने फिशर एंड श्रॉ कार्बाइन कम्प्लेक्सेज जो हमारे बनेंगे फ्रॉम दी डबलेट एंड क्वाटेड कार्बाइंस उनके बारे में हमने पढ़ा आफ्टर दैट हमने प्रेपरेशन एंड केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के बारे में तो देखिए जो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग है मेटल कार्बाइन कंप्लेक्सीज का उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं हमारे पास बहुत सारी अदर वेज हैं बाई यूजिंग एक्सरे डायफ्रैक्शन स्टडीज ठीक है studies, इसके थ्रू हम इनको डिटरमाइन कर सकते हैं देन हमारे पास आई आर एंड एन एम आर स्पेक्ट स्पेक्टोस्कोपीज हैं जिनके थ्रू हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ सकते हैं ठीक है तो तो इनके थ्रू में ये पता चलता है कि हमारे पास जो मेटल और कार्बन के बीच में कार्बाइन कार्बन के बीच जो ट्रिपल बोंड है ठीक है और साथ में हमारे पास जो कार्बाइन कार्बन के साथ जो भी आपके पास अल्काइल ग्रुप अटैच होगा ठीक है वो जो लिंकेज होगी हमारे पास लीनियर होगी ठीक है कार्बाइन कम्प्लेक्सिस की लिंकेज लीनियर होगी क्योंकि हमारे पास एस पी हाइबिडाइजेशन होगी हमारे हो पास इस मिडिल कार्बन एटम की ठीक है इट विल बी एस पी हाइबिडाइज जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया था जहाँ प्रीवियस लेक्चर के अंदर जहाँ पर हमने डबल एट एंड क्वार्टेट कार्बाइंस के बारे में पढ़ा था ठीक है और ये जो बॉन्ड एंगल होता है हमारे पास अब देखिए एस पी हेबाजेशन है दैट मीन्स हमारे पास लीनियर स्ट्रक्चर होगा ठीक है लीनियर स्ट्रक्चर होगा तो हमारे पास जो बॉन्ड एंगल होता है इट इज़ वन एटी डिग्री लेकिन कुछ कंप्लेक्सेज ऐसे भी होते हैं जहाँ पे ये बॉन्ड एंगल जो है वो वन एटी से डेविएट कर जाता है जैसे एग्जाम्पल के तौर के ऊपर ठीक है मैंने यहाँ दो कम्प्लेक्सेज लिखे हुए हैं ठीक है यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा ठीक है ये ट्रिपल बॉन्ड है लेकिन मैंने यहाँ पे आपके पास जस्ट बॉन्ड ये जो बॉन्ड लेंथ है मैं आपको उसको शो करने के लिए यहाँ पे एस सच दिखा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बोन एंगल है ठीक है इस कम्प्लेक्स में हमारे पास दिस इज 180 डिग्री ठीक है लेकिन यहाँ ये बोर्ड एंगल जो है वो डेविएट कर रहा है फ्रॉम 180 एंड इट इज़ 162 डिग्री अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हमारे पास कार्बाइन जो है वो थ्री इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज बिहेव करते हैं ठीक है तो देखिए डबलेट कार्बाइन लीगेंट जो है हमारे पास अब जब डबलेट हमारे तो पास कार्बाइन लीगेंट होगा तो हमारे पास फिशर कंप्लेक्सिस बनेंगे जब हमारे पास क्वार्टेड कार्बाइन कम्प्लेक्स होगा तब हमारे पास जो है आपके पास श्रोक कार्बाइन कम्प्लेक्सीज बनेंगे ठीक है तो जब डब, डबलेट कार्बाइन हमारे पास आपके पास कंप्लेक्स बनाएगा दैट इज़ योर फिशर कार्बाइन तो हमारे पास थ्री इलेक्ट्रॉन डोनर बिहेव करेगा ठीक है और ये एल एक्स टाइप लीगेंड बिहेव करेगा ठीक है एल मतलब लीगेंड आपके पास दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है और एक्स टाइप मतलब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इट विल बिहेव थ्री इलेक्ट्रॉन डोनर तो अब हमारे पास होगा क्या मैं एक बार आपको फिर से जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था ठीक है वहाँ पे मैंने आपको आ, डबलेट एंड क्वाटेड कारबाइन्स के बारे में बताया था तो आप देख सकते हैं डबलेट कार्बाइन में हमारे पास क्या है एक ऑर्बिटल है दैट इज योर एस पी हैबिटिट ऑर्बिटल जहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है ठीक है एंड हमारे पास जो आपके दो ऑर्बिटल बाकी बच जाते हैं वहाँ पर आपके पास एक में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं और जबकि हमारे पास जो क्वाटेड कार्बाइन्स होगा वहाँ पर हमारे पास इन तीनों ऑर्बिटल्स में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होगा ठीक है सो डबलेट कार्बाइन में हमारे पास क्या होगा ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है ठीक है दिस इलेक्ट्रॉन पेयर ठीक है ये डायरेक्टली आपके पास मेटल के साथ कोऑर्डिनेट कर जाएगा जैसे अपने मेटल का पाई कंप्लेक्स के अंदर पड़ा था सिमिलरली फिशर कार्बिन के का अंदर पड़ा था सिमिलर बॉन्डिंग यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी तो ये जो फील्ड आपके पास एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा फॉर दिस डबलेट कार्बाइन इट ओवरलैप्स विद दट हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द मेटल एटम ठीक है मेटल का वेकेंट ऑर्बिटल और डबलेट कार्बाइन का फील्ड ऑर्बिटल ठीक है यहाँ पर इसमें ओवरलैप करेंगे और बोन्ड कौन सा बनेगा ये बनेगा कार्बाइन से टुवार्डस ऑफ मेटल ठीक है कार्बाइन टू मेटल दिस इज सिग्मा बॉन्ड ठीक है डैटी सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा हमारे पास ठीक है दिस इज योर बॉन्ड फॉर्मेशन ठीक है अब सिमिलरली हमारे पास ये जो एक सिंगली ऑक्यूपाइड हमारे पास जो ऑर्बिटल बच गया ठीक है ये जो एक आपके पास ऑर्बिटल है जहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है ठीक है नो दिस सिंगली ऑक्यूपाइड दिस इज योर पी एक्स ऑर्बिटल ठीक है दिस इज योर Px orbital, पी एक्स ऑर्बिटल जहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है दिस इज योर पी एक्स ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड पी एस अटोमिक ऑर्बिटल जो है डब्लट कार्बाइन का ठीक है कार्बन आइटम का इट विल ओवरलैप विद दी जो आपके पास सिंगली ऑक्यूपाइड अटोमिक ऑर्बिटल होगा हमारे पास मेटल का ठीक है मेटल का डी पाई जो अटोमिक ऑर्बिटल होगा विच इज सिंगली ऑक्यूपाइड ठीक है अब दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं हमारे पास बॉन्ड बनेगा लेकिन वो बॉन्ड कैसा होगा दैट विल बी योर मेटल कार्बन पाई बॉन्ड ठीक है बैक बॉन्ड नहीं बनेगा ये ध्यान में रखना है दिस इज सिंपली योर डी पाई पी पाई बॉन्ड ठीक है नॉट अ बैक बॉन्ड ठीक है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज सिंगली ऑक्युपाइड डी बाई टोमिक ऑर्बिटल ऑफ मेटल एटम और ये जो सिंगली ऑक्युपाइड पी एक्स टॉमिक ऑर्बिटल है कार्बाइन कार्बन का ये आपस में आपस में दोनों साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे इनकी साइड वाइज ओवरलैपिंग होने की वजह से हमारे पास जो है यहाँ पे मेटल और कार्बन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड बन के आएगा लेकिन दिस इज नॉट अ बैक बॉन्ड ये आपने ध्यान में रखना है नो वी आर लेफ्ट विद हमारे पास एक और आपके पास एक ऑर्बिटल बचा है विच इज़ अनहाइब्रडाइज्ड ठीक है ये दोनों अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं ठीक है अब एक में तो सिंगल इलेक्ट्रॉन था लेकिन वन इज योर वेकेंड ठीक है अब ये वेकेंट बच गया हमारे पास ठीक है तो बोलता है ये जो वेकेंट आपके पास पी वाई ठीक है दिस इज योर पी वाई दिस इज योर पी वाई टॉमिक ऑर्बिटल ये वेकेंट पी वाई अटोमिक ऑर्बिटल है हमारे पास डबलेट कार्बाइन का ठीक है डबलेट कार्बाइन कार्बन एटम का ये ओवरलैप करेगा अब ओवरलैप किसके साथ करेगा ये ओवरलैप करेगा हमारे पास जो मेटल आइटम का फील्ड होगा ठीक है जो मेटल आइटम के पास फील्ड डी वाईटोमिक कार्प्यूटर होगा उसके साथ ये ओवरलैप करेगा एंड वी आर गेटिंग मेटल टू कार्बन ठीक है दिस इज योर बैकबोन बोन नाउ ठीक है अब ये चीज ध्यान में रखनी है आपने अब फील्ड ऑर्बिटल जो है मेटल का ओवरलैप करेगा विद दी वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ कार्बाइन कार्बन जहाँ से आपके पास मेटल टू कार्बन बॉन्ड बनेगा और ये पाई बॉन्ड होगा ठीक है ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी हमारे पास लेकिन बॉन्ड कैसा है डी पाई पी पाई बॉन्ड और इसको हम बैक बॉन्ड बोलेंगे सो दिस इज योर मेटल फील्ड डी पाई एटॉमिक ऑर्बिटल और यहाँ पे आपके पास जो वैकेंट ऑर्बिटल है दैट इज पी वाई ठीक है ये आपस में ओवरलैप करेंगे और एक चीज का और ध्यान रखना मैंने थोड़ा सा ये टिल्ट टिल करके बनाया हुआ है ठीक है क्योंकि ये एटॉमिक ऑर्बिटल आप देख सकते हैं दिस इज पी एक्स दिस इज योर पी वाई तो आपको इसी तरह से बनाना है ठीक है आपस में ओवरलैपिंग करेंगे मेटल टू कार्बन पाई बॉन्ड बन जाएगा ठीक है डबल बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका है अब तीसरा बॉन्ड बनेगाट इज योर ट्रिपल बॉन्ड अब बात करते हैं हम श्रॉप कार्बाइन कंप्लेक्सीज के अंदर ठीक है श्रॉप कार्बाइन कंप्लेक्सिस में हमारे पास कौन सा कार्बाइन कार्बन है दिस इज योर क्वारेड ठीक है एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटर्स है हमारे पास ठीक है जिसमें से एक यूज हो गया टू फॉर्म बॉन्ड विद दिस अलका ग्रुप वन विल बी यूज टू फॉर्म बॉन्ड विद दी मेटल आइटम ठीक है और बचे हुए जो हमारे यहाँ ऑर्बिटल है दीज आर अनहाइब्रेडाइज ठीक है ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व है लेकिन ये दोनों नहीं है ठीक है तो दीज आर अन ऑर्बिटल विच हैव सिंगल इलेक्ट्रॉन सो इसका मतलब क्या होना चाहिए जो भी मेटल आइटम आपके पास यूज होगा ठीक है उसके पास भी सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल ही हम यूज़ करेंगे फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड जिसके थ्रू हम सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे ठीक है तो देखिए श्रॉक कार्बाइन कम्प्लेक्सीज में क्वार्ट कार्बाइन है ठीक है तो तीन हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे थ्री इलेक्ट्रॉन डोनर बिहेव करेगा तो इट विल बिहेव एज एक्स थ्री टाइप लिगेंड ठीक है क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर कहीं से भी डोनेट नहीं करेगा सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन देगा तो इट विल बी बिहेविंग एज अ एक्स थ्री टाइप ऑफ लिगेंड ठीक है तो देखिए अब कार्बाइ जो क्वार्टेट कार्बाइन है इसका सिंगल इलेक्ट्रॉन ठीक है इसका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है विच हैज़ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इट विल ओवरलैप विद दी मेटल का वो वाला ऑर्बिटल जहाँ पे आपके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा तो म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है दोनों के आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्म विल बी मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड सिंपल बॉन्ड बनेगा मेटल कार्बन कोवल एंड बॉन्ड ठीक है अब सिमिलरली अब देखिए कार्बाइन कार्बन है जो आपके पास दो अनहाइबेडाइज ऑर्बिटल रह गए थे ये वाले दो अनहाबेडाइज जहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन है वन बाय वन दोनों ओवरलैप करेंगे तो पहला पहले बात करते हैं पी एक्स की ये जो सिंगली ऑक्युपाइड पी एक्स टॉमिक ऑर्बिटल है ठीक है दिस सिंगली ऑक्युपाइड पी एक्स टॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कार्बाइन कार्बन इट विल ओवरलैप विद दी सिंगली ऑक्युपाइड डी पाई ऑर्बिटल ऑफ मेटल एटम इन दोनों के आपस में ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड फॉर्म विल बी पाई बॉन्ड ठीक है क्योंकि सिंगल ऑलरेडी बन चुका है नेक्स्ट बॉन्ड पाई बॉन्ड बनेगा साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है पाई बॉन्ड बन के आएगा लेकिन इट इज़ नॉट अ बैक बॉन्ड ठीक है सिंपल डी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल डी पाई पी पाई ठीक है अब एड लास्ट में क्या होगा ये जो आपके पास एक और वेकेंट और एक और जो आपका अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बचा हुआ है जिसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है दैट इज योर पी वाई अब वो ओवरलैप करेगा मेटल के किसी और ऑर्बिटल के साथ ठीक है डी पाई और टॉमिक ऑर्बिटल ही होगा लेकिन वहाँ पे भी आपके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी ट्रिपल बॉन्ड बनेगा मैंने ट्रिल्टेड बनाया हुआ है ठीक है ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है तो ये है हमारे पास बॉन्डिंग इन श्रॉ कार्बाइन कम्प्लेक्सीज एंड फिशर कार्बाइन कम्प्लेक्सीज ठीक है तीन तरह के हमारे पास कोवल बॉन्ड्स बन रहे हैं ठीक है दस थ्री कोवल बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन दी मेटल एटम एंड द कार्बाइन कार्बन एटम इन बोथ फिशर एज वेल एज कार्बाइन कम्प्लेक्सिस ठीक है सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बॉन्डिंग इन केस ऑफ फिशर एंड शॉक कार्बाइन कम्प्लेक्सिस ठीक है तो अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं तो इसी के साथ आपका मेटल कार्बाइन जो पूरा टॉपिक है वो भी यहाँ पे फिनिश होता है